ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कभी आप अपना जन्म का चित्र बनाओ, भविष्यों का। आप भविष्य में 21 जन्म कैसा बनाना चाहते हो? अगर आपका हेल्थ अच्छा चाहिए, शरीर अच्छा चाहिए, तो धन शरीर के सेवा करना जरूरी है। शरीर से यज्ञ सेवा जो करेगा उसका ही शरीर तंदुरुस्त होगा। 21 जन्म तो क्या, 84 जन्म। अगर आपको शरीर की हेल्थ अच्छी चाहिए, शरीर को सेवा में लगा दो। कभी सेंटर पर आओ, इतना बड़ा मकान है, कभी झाड़ू पोछा करने का काम करो, कभी मधुवन में जाओ, एक एक दो दो महीना सेवा करके आओ। जो संगम युग में शरीर सेवा में लगाता है उसको शरीर तंदुरुस्त मिलेगा। अगर आपके पास गाड़ी है, कोई सेवाओं की जरूरत है, जो गाड़ी व्हीकल जो सेवा में लगाता है उसको गाड़ी अच्छी भरपूर मिलेगी। अगर आपके पास धन है, जो धन सेवा में लगाता है उसको ही धन मिलेगा। जो चीज लगाएंगे वही चीज मिलेगी। जैसे द्रौपदी का, कृष्ण जब उंगली कट जाते कृष्ण की, तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी नई साड़ी को फटाफट फाड़ करके क्या किया, उनकी उंगली और जब द्रौपदी संकट में आई, चिरहरण हुआ, तो उसी धागे की बदले एक एक कितनी बड़ी साड़ी मिली। सहयोग से सहयोग मिलता है, इसलिए हमें हर प्रकार से तन मन धन से क्या करना है, बाबा के यज्ञ में सहयोगी बनना है। और आगे चल करके बाबा की प्रत्यक्षता होगी, लोगों को पता चलेगा गीता का भगवान धरती पर आया और गीता का ज्ञान दिया, तब लोग कहेंगे हमारा बंगला ले लो, हमारा जमीन ले लो, हमारा प्लॉट ले लो। उस समय मधुवन से डायरेक्शन आएगा, कृपया किसी का भी यज्ञ के लिए आप कुछ लेना नहीं है। जैसे 1500 की नोटा बंद हो गई थी, उस समय मधुवन कई लोग क्या करते थे, सेंटर पर आकर के भंडारी में डालना शुरू किया। लेकिन उस समय मधुवन से डायरेक्शन आया, कृपया पुरानी नोट कोई भी भंडारी में ना डाले करके एक स्लिप लगाई थी। और पहले डालने के लिए बोलते तो हाथ थर थर कांपता था, 500 1000 की नोट आई, कैसी डालू, हाथ थर का। और जब बंद हो गया तो बराबर लाकर डालना शुरू किया। इसलिए जो सेवा करना अब कर सकते, आगे चल करके ये सेवा का चांस भी नहीं मिलेगा, बाबा आपका स्वीकार नहीं करेगा।